इज इट क्लियर? तो ये खत्म हुआ आपका डिफॉरेस्टेशन। किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन पूछना है? डेजर्टिफिकेशन बेटा दूसरा है, डिफॉरेस्टेशन अलग चीज है। डेजर्टिफिकेशन क्या होता है? कोई भी सॉइल जब डेजर्ट लैंड के अंदर कन्वर्ट होती है, वेस्ट लैंड के अंदर नहीं, डेजर्ट लैंड, दैट इज डेजर्टिफिकेशन। वो चीज अलग है और ये चीज अलग है। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? अभी 10 मिनट बचे हुए हैं, उसमें छोटा सा टॉपिक करते हैं जो नेक्स्ट आपके सिलेबस में मैंने बताया था, दैट इज नेचुरल डिजास्टर। उसका थोड़ा बेस बना लेते हैं ताकि आगे आसानी हो। नेचुरल डिजास्टर इसको बेस्ट समझना बेटा बोलो। मैंने बोला एग्रीकल्चर, इंडिया में सबसे ज्यादा जो डिफॉरेस्टेशन का कॉज है वो एग्रीकल्चर, और पिछले साल डिफॉरेस्टेशन कम हुआ और फॉरेस्ट का नंबर बढ़ा, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड के लिए जमीन को नहीं हटाया गया था। ठीक है, 2016-17 के अंदर इंडिया में फॉरेस्ट कवर बढ़ा था, ठीक है, 1.5 या 1.6 के अप्रोक्सीमेटली कुछ परसेंटेज इंक्रीज हुआ था इंडिया के अंदर। रीजन यही था कि जमीन नहीं ली गई फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, इस वजह से परसेंटेज में थोड़ा इंक्रीज हुआ। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अब हम नेचुरल डिजास्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें थोड़ा सा पेज बनाएंगे, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ जी, ठीक है, अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामी, वॉल्केनिक।